मैं यहां आता था तो देखता था कि माता बहनों को सर पर बंठों में कितनी कितनी दूर पानी लाने जाना पड़ता था। मैं सही बोल रहा हूं ना माताएं, मैं सही बोल रहा हूं ना, बंठों को उठा उठा करके जाना पड़ता था और साथ में हमारे छोटे बच्चे भी डब्बे या छोटे से कुप्पे में पानी ढोते थे, ये दिन मैंने देखे हैं। लेकिन कांग्रेस के लोगों को इसकी चिंता नहीं होती, उन्हें उत्तराखंड से ज्यादा चिंता दिल्ली के दरबार की रहती थी। काली कमाई होती रहे, दरबार में पहुंचती रही और दरबार की कृपा आती रहे, और गरीब के साथ क्या होता था, उसे अपना गांव, अपना घर, अपने यार दोस्त, अपने रिश्तेदार, अपनी प्रकृति, अपना पहाड़, अपनी खुली जिंदगी, सब कुछ छोड़ करके झुग्गी झोपड़ी में, शहरों में जाकर के दो टूक रोटी के लिए जिंदगी खपानी पड़ती। भाजपा की सरकार आने के बाद पहली बार पूरी ताकत से स्थिति बदलने के लिए काम हुआ। उनके समय में पहाड़ के जलस्रोत सूखे थे तो इसका ठिकरा ये प्रकृति पर फोड़ते थे। हम कुमाऊं की पाइपलाइन के रूप में जामरानी बांध का काम जल्द ही शुरू करने वाले हैं। हम जल जीवन मिशन के जरिए गांव गांव, घर घर पानी पहुंचा रहे हैं। उत्तराखंड में 8 लाख घरों को पानी का कनेक्शन दिया जा चुका है। 8 लाख घरों में नल से जल का काम हमने कर लिया है। इस बार के बजट में देश के गांव गांव पानी का कनेक्शन पहुंचाने के लिए मेरी माताएं बहने आप मुझे आशीर्वाद देते रहिए, 60,000 करोड़ रुपया हम खर्च करने वाले हैं ताकि मेरी माताओं बहनों को पानी लाने के कष्ट से मुक्ति मिले, वो नल चालू करे और घर में पानी आ जाए। माताएं बहने में आपके लिए काम कर,